स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बांध बनाकर रोकेगा पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियों का पानी। नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के बागपत जिले में कहा कि जिन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है उसके पानी को बांध बनाकर रोकने की योजना बनाई जा रही है। सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के अधिकांश पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बुधवार को कहा था कि जिन 3 नदियों का पानी को बांध बनाकर रोकने की योजना बनाई जा रही है, इन नदियों के पानी को यमुना नदी में मिलाया जाएगा। जब यह योजना लागू कर दी जाएगी तो यमुना नदी में पानी पर्याप्त हो जाएगा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुजफ्फरनगर की जनता को 4,700 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के शुरुआत में गडकरी ने मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन किया था। अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।